हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हो? फिलहाल ठीक ही होंगे। और आज और एक ब्लॉग हम लाए हैं, और आप सबको शायद जो पिछले वाला ब्लॉग जो हमने जो एंटीवायरस का दिया था शायद पसंद नहीं लगा होगा शायद, तो कोई बात नहीं, आप सबको किसी ना किसी दिन तो एक दिन काम आएगा ही, तो इसीलिए थोड़ा हम बना लिया था। और वैसे ही आज जो वो एंटीवायरस जो टेक्निकल में आते हैं, वैसे ही आज भी हम कुछ ऐसी टेक्निकल सिस्टम में आया हूँ और उसका आगे में बैठा हूँ, और वो है प्रिंटर। जब भी कभी कभी प्रिंटर काम नहीं देता है तो क्या करना चाहिए हम लोग को? तो साफ इंक साफ रहता है, स्याही साफ रहता है, कलर होता है, सब कुछ होता है, लेकिन जो लिखा हुआ जो हम लोग टाइप करते हैं अल्फाबेट्स, वो नहीं होता है, मतलब ब्लैंक आता है। जैसे कि अभी हम इसको निकलाया था, जो ये खाली पहला खाली पेज निकला, खाली पेज, ये देखो खाली पेज है। बाद में जब हमने टाइप किया, टाइप करने के बाद ये आया, मतलब सिर्फ एक टू फुल आया, दो टू फुल, बॉर्डर फुल। तो इसमें बीच में कुछ लिखा था मैंने, लेकिन कुछ लिखाया नहीं गया, मतलब थोड़ा डॉट डॉट है, आप देख सकते हैं ब्लैक ब्लैक, लेकिन लिखावट नहीं आया है। तो हम क्या लिखा था उसको आप सबको दिखाऊंगा, दिखाने के बाद जो प्रिंटर में क्या प्रॉब्लम है उसको हम लोग देखेंगे। तो फिलहाल मैंने लिखा था ये टू मोस्ट रेवरेंड बिशप बेनी वर्गीस, कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम ओसलैंड प्रोविंसनेट तेजपुर। तो ये लिखा था मैंने, लेकिन ये नहीं आया, ये सिर्फ फूल आया, सिर्फ फूल आया, ये देखो फूल आया, लेकिन ये नहीं आया। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि आज मैंने इंक भराया इधर में मैंने इंक भराया था। इंक भराने के बाद वो जो पाइप अंदर में रहता है, वो पाइप जो वायर जैसा होता है, जो पास होता है, कलर पास होता है, वो कलर का पाइप में हवा घुस गया है। तो इसीलिए एक ठो ऑप्शन है, आप सब कोई देखिए, डू यू रिलीव, ये नहीं होगा, ये कैंसिल कर देंगे। तो ये आ गया, देखो 100% नॉर्मल, और इधर में 1 लिखा है। तो अभी इसका ऑप्शन है पहला मेनू, ये मेनू को दबाई, इंक है, देखो इंक को ओके करिए, ओके दबा दीजिए, और पहला ऑप्शन आएगा टेस्ट प्रिंट, बाद में नीचे दबाइए क्लीनिंग, तो क्लीनिंग को आप ओके मार दीजिए। अभी ब्लैक ब्लैक कलर नहीं आ रहा है, मतलब जो रिटर्न वाला, जो ये रिटर्न वाला वो नहीं आ रहा है, सिर्फ ये कलरफुल वाला फ्लावर आ रहा है, लेकिन ये जो लिखा हूं मैंने ब्लैक कलर से वो नहीं आ रहा है। तो इधर में ब्लैक ऑप्शन आ गया, तो उसको अभी ओके मार देना है, अभी क्लीनिंग शुरू हो जाएगा। क्लीनिंग प्लीज वेट, ये आएगा, अभी क्लीनिंग प्रोसेस हो रहा है, प्लीज वेट। जो इंक उधर में गैप गैप हुआ है उसमें अभी फिलअप हो जाएगा, जो अंदर में वो एक ठू वो है, अभी खुल नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी ये प्रोसीडिंग में है, इसलिए आप सबको दिखाऊंगा अभी कैसे ये नॉर्मल हो जाएगा। अभी जब हम लोग इसको प्रिंट करेंगे तो ये आएगा कि नहीं हम लोग देखेंगे, थोड़ा समय लगता है 10 मिनट जैसा। अभी कंप्लीट दिखा रहा है, कंप्लीट दिखाने के बाद 100% नॉर्मल। अभी इसको दबा दीजिए कॉपी, अभी 100% होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद हम मोनो दबाए, मतलब ये स्टार्ट बटन। अभी देखो क्या निकलता है, अभी देखो इधर में ब्लैंक निकल गया, ब्लैंक मतलब क्लियर है। तो अभी देखो इधर में जाके अभी प्रिंट करेंगे हम लोग, तो अभी ये निकलेगा कि नहीं, ये जो चीज है जो पहला में हम किया था इसमें नहीं आया, देखो। तो अभी जो ये आएगा कि नहीं हम लोग देखेंगे। अभी रिसीविंग डाटा है, तो रिसीव किया है,
तो ये देखो आ गया, तो टू मोस्ट बिशप ये आ गया, देखो कॉन्ग्रेचुलेशन। पहला में जब हम किया था वो ब्लैंक था, देखो थोड़ा डॉट डॉट था, आप देख सकते हैं डॉट डॉट वाला, ये देखो ये डॉट डॉट है, देखो इसमें इंक काला वाला नहीं आ रहा था, रिटर्न वाला। अभी देखो ये आ गया, फिलहाल हमने अभी किया था। तो अगर ऐसा प्रॉब्लम होने से आप लोग सिर्फ इसको आप जो ऑप्शन पहला मेनू दबाइए, मेनू दबाने के बाद इंक, इंक दबाने के बाद आप लोग क्लीनिंग में जाओ, क्लीनिंग के बाद ब्लैक ऑप्शन को दबाओ और ओके दबा दो, ठीक हो जाएगा। तो आज का वीडियो इधर ही समाप्त होता है, थैंक यू। तो फिलहाल देख लिया आप सब, तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम होने से आप लोग जरूर देख के आप सब ऑप्शंस को फिलअप करके आप सब कर सकते हैं। तो ये सब थोड़ा थोड़ा हम लोग का जब इम्पोर्टेंस वर्क होता है, इमरजेंसी वर्क होता है, तब उसी समय ये सब काम नहीं करता है। तो उसी समय हम सब जो थोड़ा दिमाग होने से नहीं तो कुछ उपाय होने से ये सब उपाय काम में आता है। तो ठीक है, अच्छा लगा और वीडियो में बने रहिए। तो अगर ठीक लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू विथ लॉट्स ऑफ लव केयर एंड सपोर्ट।